फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हैंड पर्स। इससे पहले भी मैंने हैंड पर्स की वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और ये हैंड पर्स भी काफ़ी ब्यूटीफुल बन के रेडी हुआ है। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें। देखिए पूरी वीडियो। देख सकते हैं आप, पॉकेट के अंदर मैंने 3 जिप बना रखे हैं, जिसमें हम अपने यूज का सामान आसानी से रख सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, पैसे इत्यादि। अगर कहीं जाएं तो इसमें आराम से रख के ले जा सकते हैं। देखिए पूरी वीडियो। देखिए ऊपर मैं कॉटन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं चावल के कट्टे का यूज़ कर रही हूँ, फिर नीचे से मैंने फिर कॉटन फैब्रिक रखा है, अस्तर रखा है। तो इस तरीके से इसकी लेंथ से विड्थ कितनी रखी है वो बताती हूँ मैं आपको। सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाता है ये पर्स। तो इसकी लेंथ रखी है मैंने 13 इंच और इसकी जो विड्थ है, विड्थ रखी है मैंने 9 इंच। तीनों फैब्रिक ये लिया है मैंने, दूसरा फैब्रिक, इसकी विड्थ रखी है मैंने 8 इंच और इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने 9 इंच रखी है। इसमें भी मैंने देखिए ऊपर से कॉटन फैब्रिक, फिर अस्तर, फिर कट्टा रखा है। और इसको भी हम चारों तरफ से सिलाई रख देंगे, सिर्फ एक साइड से ओपन रखेंगे जिससे आगे की ओर सीधा कर सकें। देखिए इस बड़े वाले फैब्रिक में हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे, जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आता है। गोलाई देके फिर हम इसको कट कर लेंगे, फिर रखेंगे हम इसके चारों तरफ सिलाई। हम देखिए सबसे पहले अपना कॉटन फैब्रिक रखेंगे, उसके बाद जो हमने अस्तर के लिए फैब्रिक रखा है वो रखेंगे, और उसके बाद हम इस कट्टे को रखेंगे। और मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं। अब जो हमारा कट्टा है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो अब हमने इसको किस तरीके से फोल्ड करना है वो बताती हूँ आप। देखिए इस तरीके से इसको हाफ फोल्ड कर लीजिए, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इस तरीके से हमारा ये पर्स रेडी होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब ये है हमारा छोटा वाला फैब्रिक जो हमने कट किया था, इसके भी चारों तरफ मैंने देखिए सिलाई लगा दिया है और इसे ओपन भी कर लिया है। अब इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसमें हम इस तरीके से जिप को अटैच करेंगे। जिप अटैच करने के बाद ही हम इसके साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो जिप अटैच करके दिखाती हूँ आप। इसमें मैंने इस तरीके से जिप अटैच कर दी है। अब देखिए इसमें मैंने नीचे इस तरीके से फोल्ड करके आप इस तरीके से बीच में निशान लगा दीजिए, बीच में निशान लगा दिया है। तो इसको इस तरीके से हम बीच में अटैच कर लेंगे। तो बीच में सिलाई लगा के दिखाती हूँ, बीच में अटैच करके हम इनके साइडों को बंद करेंगे। तो इसमें मैंने जिप अटैच कर दी है और साइड से इसको बंद कर दिया है। ये बीच में पॉकेट अटैच हो चुका है। अब देखिए अब इसको हम इस तरीके से बंद करेंगे और साइड से भी सिलाई लगा देंगे। लेकिन साइड से सिलाई लगाने से पहले ये है वेलक्रो, तो इसमें देखिए इस तरीके से इसको मैं ऊपर साइड लगाऊंगी, इस तरीके से ऊपर साइड लगाऊंगी और इसको नीचे साइड लगाऊंगी। इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। तो इनको लगा के दिखाती हूँ। देखिए वेलक्रो भी मैंने लगा दिया है और साइड से भी मैंने बंद कर लिया है। अब ये देखिए मेरे 3 पॉकेट बन चुके हैं, 1 पॉकेट 1 जीप, इसमें 2 जीप और इसके अंदर 3 जीप। ये कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए इससे आसानी से बंद भी हो जाता है और काफ़ी ब्यूटीफुल पर्स बन के रेडी हो चुका है। अब मेरे पास लेस, तो इसके चार इस तरीके से मैं इसमें लेस लगाऊंगी। तो लेस लगा के दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप पॉकेट। इस तरीके से मैंने इस पर्स में लेस लगा दिया है और काफ़ी ब्यूटीफुल लुक लग रहा है, देख सकते हैं आप। और कुछ भी हम इसमें अपने डेली यूज का सामान आसानी से रख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे YouTube चैनल पे आपको सिलाई की अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी, जैसे लड्डू गोपाल जी के मैंने अलग अलग पोशाक बनाए हैं, तो उनकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को। और इससे पहले भी मैंने एक सुंदर सा हैंड पर्स की वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।